प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर 3,135 करोड़ की लागत से बने 28 विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया, जिसमें गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में एक 320/33 केवी का विद्युत उपकेंद्र शामिल है। इस सब स्टेशन के शुरू हो जाने के बाद गोला सहित बांस गांव के लगभग 5,00,000 लोगों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला अधिकारी केवीएन पांडियन सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्युत उपकेंद्र मिलने के बाद से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबको बिजली और हरदम बिजली के लक्ष्य को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। कोरोना संकट के दौरान पिछले 2.5 महीने में बगैर लॉकडाउन से प्रभावित हुए विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कॉरपोरेशन ने सफलता प्राप्त की है। जबकि इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश के 28 उपकेंद्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें 19 लोकार्पण एवं 9 शिलान्यास है, जिनकी कुल लागत है 3,135.34 करोड़ रुपए। निर्माण के फलस्वरूप जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का सुचारू पोषण सुनिश्चित होगा। 132 केवी उपकेंद्र तुलसीपुर से पचवलवा हरैया, 220/132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र अमेठी जनपद अमेठी का लोकार्पण। उपकेंद्र के निर्माण से होने वाले लाभ, इस उपकेंद्र निर्माण के फलस्वरूप जनपद अमेठी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का सुचारू केवी जीआईएस उपकेंद्र हनुमान सेतु लखनऊ के निर्माण के फलस्वरूप लखनऊ मध्य क्षेत्र के रोग भवन इत्यादि क्षेत्रों के विद्युत आपूर्ति तथा उपलब्धता के विश्वसनीयता में गुणात्मक सुधार होगा। नागरिक क्षेत्र है लखनऊ मध्य क्षेत्र के रोग भवन हजरतगंज विश्वविद्यालय हनुमान सेतु अमीनाबाद चौपटिया मेडिकल कॉलेज रेजिडेंसी इत्यादि क्षेत्रों की लगभग 10,00,000 आबादी लाभान्वित होगी। 132/33 के विद्युत उपकेंद्र लंबुआ सुल्तानपुर का लोकार्पण। लाभान्वित क्षेत्र लंबुआ तहसील लंबुआ ग्रामीण चांदा ग्रामीण हिंदीपुर ग्रामीण शिवगढ़ ग्रामीण एवं कारापुर ग्रामीण इत्यादि क्षेत्र के लगभग 1,50,000 लोग लाभान्वित होंगे। 400/132 के वे विद्युत उपकेंद्र मसौली एवं उससे संबंधित लाइनों का लोकार्पण। उपकेंद्र के निर्माण से होने वाला लाभ, 400/132 के वे उपकेंद्र मसौली के निर्माण से प्रयागराज जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समुचित विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। लाभान्वित क्षेत्र प्रयागराज क्षेत्र में परिचालित 400/132 के वे विभव पर विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त मेजा विधानसभा कर्चना विधानसभा 12 विधानसभा एवं निकटवर्ती के लगभग 22,00,000 आबादी लाभान्वित होगी। 132/33 के उपकेंद्र के निर्माण से होने वाला लाभ, इस उपकेंद्र के निर्माण से जनपद बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित ग्रामीण जनता को शासन की मंशा के अनुरूप 2400 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। एवं समीपवर्ती कस्बा रेवती सहतवार मनियर के सम्मानित ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उपकेंद्र के निर्माण से इस क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 220 के निर्माण में होने वाला लाभ, इस उपकेंद्र के निर्माण से तहसील बोला एवं तहसील बासपुर क्षेत्र के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू रूप से निर्बाध
विद्युत आपूर्ति में सहायक होगा। तथा 220 केवी विद्युत उपकेंद्र बरहुआ कोलरपुर एवं 132 केवी उपकेंद्र कौड़ी नाम की अधिभारिता दूर होगी। लाभान्वित क्षेत्र तहसील गोला तहसील बासगांव क्षेत्र के समस्त तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5 लाख आबादी लाभान्वित होगी। 132 केवी विद्युत उपकेंद्र कलवारी बस्ती का लोकार्पण। इस उपकेंद्र के निर्माण से जनपद बस्ती के महादेवा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित ग्रामीण जनता को शासन के मंशानुरूप 2400 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आपूर्ति में गुणात्मक सुधार होगा एवं भविष्य के विद्युत मांग को भी पूरा किया जा सकेगा। लाभान्वित क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र चरथावल का बगरा मुकंदपुर लडवा नसीरपुर कुतबा करवाड़ा एवं खेड़ी दूधा। इस उपकेंद्र से सौंप कस्बा ओल जाजमपट्टी जयगुरुदेव धनगांव रांची बांगर तथा नानपुर क्षेत्र के लगभग 3 लाख आबादी लाभान्वित होगी। 220 बटा 132 बटा और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऊर्जा मंत्री प्रदेश के मुख्य सचिव जानकी तिवारी जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा सत्येंद्र कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस के गोयल जी, पावर कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारीगण, वीडियो लिंक से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति रानी जी, माननीय श्री संतोष गंगवार जी, माननीय जनरल डॉक्टर बी के सिंह जी, माननीय डॉक्टर संजीव कुमार बादियान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आप सबकी शुभेच्छा और सकारात्मक सहयोग से वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 3,135 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से विद्युत उपकेंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश की जनता को आज यहाँ पर अर्पित कर रही है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूँ और पावर कॉर्पोरेशन को समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने पिछले 3 वर्षों में एक बेहतर कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा करके आम जन के विश्वास को व्यवस्था के प्रति सुदृढ़ करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। चाहे वह प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की समान व्यवस्था प्रत्येक नागरिक तक करने के लिए उठाए गए कदम हो, जिसमें जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति,
ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी 20 से 21 घंटे की विद्युत की आपूर्ति का संकल्प हो, और चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जिसके माध्यम से हर एक घर में उजाला देने के लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा देश के अंदर लक्ष्य उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पास था। 1,24,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों के पास जिन्होंने आजादी के बाद बिजली नहीं देखी थी, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर उनके घरों तक भी उजाला पहुंचाने का कार्य किया गया। केवल विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए बल्कि इसके लिए लगभग 2,25,000 मजदूरों तक विद्युतीकरण के कार्य के विराट लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया, और यह निरंतर प्रयास है कि विद्युत वितरण की जो गति है पावर फॉर ऑल में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति कर सकें, और संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास की ये कड़ी जुड़ी जा रही है। ये सारा कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सभी राज्य की सरकार को अपनी मदद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और टीम वर्क हमारे सामने इस रूप में देखने को भी मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान पिछले 2.5 महीनों से हम सब इस बात को देख सिद्ध करने में पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। उन क्षेत्रों को जहां पर आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन को देखें, सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे यहाँ प्रदेश में विभिन्न जगह का जो कितने विद्युत केंद्र रेडी हो गया उसको लोकार्पण किए थे। तकरीबन 3,400 करोड़ का परियोजना है विभिन्न जनपद में, उस पर गोरखपुर भी शामिल था। गोरखपुर में गोला में 220/33 केवी का एक सबस्टेशन यहाँ बन के तैयार हो गया, आज से वो प्रारंभ होगा। गोला में है ये 2 तहसील का, इसी के वजह विद्युत का आपूर्तिकरण होगा, ये गोला तहसील और बाजगांव तहसील, और वहाँ तकरीबन 5,00,000 लोग का फ़ायदा मिलेगा, उनका घरेलू कनेक्शन का तेज़ी आएगा, और वहाँ इंडस्ट्री इत्यादि जो अभी चीनी मिल आ रहा है उसी का भी बढ़ावा मिलेगा वहाँ उसी क्षेत्र को। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह प्रारंभ किया।